दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के सामने से। ये वो बिल्डिंग है जिसकी सबसे ज़्यादा फोटो खींची जाती है ताजमहल के बाद। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन की। ये छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है जो लगभग 125 साल पुरानी है। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। आइए देखते हैं छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन और जानते हैं छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के बारे में। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनस था, जिसे वीटी के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई का यह रेलवे स्टेशन गोथिक कला का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई का निर्माण 1878 में प्रारंभ होकर 1887 में पूरा हुआ था। इस बिल्डिंग को 1997 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मध्य रेलवे का मुख्यालय है और भारत के सभी हिस्सों से रेल लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों 1853 में बोरीबंदर से ठाणे तक चलने वाली पहली ट्रेन थी वो इसी स्टेशन से चली थी। पहले इसे बोरीबंदर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। हम जब इसके प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं तो एक शेर और बाघ की प्रतिमा दिखाई देती है जो ब्रिटेन और भारत को रिप्रेजेंट करती है। 1878 में इस रेलवे स्टेशन को बनाने की लागत 16,13,000 रुपये आई थी। यहाँ पर 18 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लगभग 30 लाख यात्री रोज सफर करते हैं। 2008 में मुंबई पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें सबसे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को ही टारगेट किया गया था। आतंकवादी अजमल कसाब और उसके साथियों ने यहाँ पर फायरिंग की जिसकी वजह से 58 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की वजह से उस समय अचानक यह स्टेशन सुर्खियों में आ गया था। सर्वप्रथम इस स्टेशन को बोरी बंदर स्टेशन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1887 में महारानी विक्टोरिया के शासन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस भवन का नाम बदलकर विक्टोरिया टर्मिनस रखा गया, जिसे वीटी के नाम से भी जाना जाता है। 1996 में इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस से बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर कुछ फिल्मों की शूटिंग्स भी हुई है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो गीत, जिसका कुछ हिस्सा इस स्टेशन पर भी फिल्माया गया है, और रावण फिल्म के कुछ सीन भी यहाँ शूट किए गए हैं। इस भवन की डिजाइन ब्रिटेन के बहुत से रेलवे स्टेशनों से मिलती जुलती है। इस भवन का मुख्य आकर्षण इसका सेंट्रल गुंबद है, जिसके ऊपर ग्रोथ को दर्शाने वाली 16 फीट 6 इंच का बड़ा स्टैच्यू लगा हुआ है। सबसे पहले 6 प्लेटफॉर्म्स यहाँ बनाए गए थे। 1929 में प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़कर 13 हो गई थी और वर्तमान में 18 प्लेटफॉर्म्स हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर। यह भवन विक्टोरियाई, इटालवी, गोथिक शैली और परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का बहुत अच्छा उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप जा सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। आप गेटवे ऑफ इंडिया जा सकते हैं, आप एलिफेंटा गुफाएं जा सकते हैं, जुहू बीच भी पास में है, मरीन ड्राइव पास में है, सिद्धि विनायक मंदिर और मुंबा देवी का मंदिर भी आप पहुंच सकते हैं।
दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।